हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, हम आज आपके सामने डीआरडीओ एमटीस की एग्ज़ाम डेट की एक्सपेक्टेड जो है कब हो सकती है आपकी एग्ज़ाम, उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए जितना हो सके आप, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आप टू टाइम न्यू अपडेट मिलती रहेगी गवर्नमेंट जॉब की। तो फ्रेंड देखिए, हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो देखो, डीआरडीओ ने जो एग्ज़ाम डेट उसकी साइट पर भी कुछ नहीं डाला है, और जो खुद उनका जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें जो उनने डेट के लिए बोला था उसके लिए साफ उनने कहा था कि अभी आप जो भी एग्ज़ाम होगी आपकी 2 वीक से पहले आपके पहले बता दिया जाए, 2 वीक से पहले आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड के बारे में इनका, ठीक है। और इसमें जो भी टाइम और डेट है तो फ्रेंड देखिए कि एग्ज़ाम डेट आपको दो वीक पहले, उससे पहले भी आपका नोटिस, वो एक शॉर्ट नोटिस निकाल देंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड जो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट की, क्या हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेड डेट, तो देखिए फ्रेंड, एक्सपेक्टेड डेट जो हो सकती है आपकी अप्रैल और मई के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। अप्रैल और मई मोस्टली चांसेज है आपकी एग्ज़ाम इसी टाइम में होगी। और एग्ज़ाम की जो आपकी आपको जो सिलेबस है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम आप फिक्स मानिए अप्रैल और मई के बीच में, ठीक है। इससे आगे आपकी एग्ज़ाम नहीं खिसकेगी, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है। टाइम नहीं मिलेगा बाद में आपके पास, अब डेढ़ महीना है मुश्किल से। और अब सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। CVT 1 में जो स्क्रीनिंग टाइप का होगा आपका, ठीक है, इसमें आपकी जो सबसे बड़ी बात आपकी यही है, जिन लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम है उन लोगों का प्री में इंग्लिश नहीं आ रहा है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम, प्री और मेन दो होंगे इसके, प्री के आपके नंबर ओनली आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन और जी जनरल अवेयरनेस में आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल में 35 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 90 मिनट का पेपर होगा। तो देखिए, रेलवे की तरह आपका इसका पूरा वो पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद जो CVT 2 है उसमें आपकी जनरल साइंस 40 नंबर की, मैथ 40 नंबर की, मतलब स्कोरिंग आपका यही है पार्ट रहेगा। जीके का भी आपका इसमें लफड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आप बस प्री क्वालिफाई कर लीजिए। आपको इधर मोस्टली चांसेस आप अच्छे से कवर कर सकते हो। जनरल इंग्लिश आपकी 20 नंबर की, थोड़ा ये आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अप्रैल और मई के बीच में चांसेज हैं। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए अभी स्टडी आईक्यू। थैंक यू फ्रेंड।